सरकार तो मस्त है, ऐसे लोग सांसद में पहुंच चुके हैं कि सरकार तो मस्त है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उन्हें ढंग नहीं है। बिजनेसमैन, बिल्डर, बार चलाने वाले, ठेकेदारों को, शराब माफियाओं को तो आपने टिकट दे के MP बना रखा। वो जो गोल्ड मेडल कौन लाया? ब्रजभूषण जी लाए। मीडिया इन्हें लगातार दबा रही है, इसलिए इनका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो समस्या है। आखिर खिलाड़ियों से कोई राजनीति नहीं, ये दबदबा किसका दबदबा, काहे का दबदबा? अरे आप सत्ता में हैं, धृतराष्ट्र की तरह हमारे प्रधानमंत्री आंख बंद किए हैं आपके लिए, नहीं सोच रहे। वो बेटियों से ज्यादा इस तरह के नेताओं पर ध्यान रहते हैं, क्योंकि उनको पार्लियामेंट में अपनी सरकार बचानी है। इस देश में कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको या तो आतंकवादी कहा जाता है, नहीं तो नक्सलवादी कहा जाता है, नहीं तो कुछ भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फजील अहमद जी। जिस तरीके से जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उसके अगर उनके अगर घर के पास से निकलें तो वहां आपको चीज़ें दिख जाएंगी कि दबदबा है और दबदबा ही रहेगा। वही दूसरी चीज़ एक और ट्रेंडिंग कर रही है कि दबदबा जूती की नोक पर, इस तरीके की कई चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो इस पे इनके क्या विचार है, इनके क्या मायने हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से दबदबा है दबदबा रहेगा, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दबदबा जूती की नोक पर, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, दबदबा तो रावण का भी नहीं था। रावण भी यही बात बोलता था कि अहंकार में कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। वैसे इस देश में एक चौपाई है कि दशरथ समरथ के नहीं दोस्त गोसाई, समझ रहे हैं? तो उनको यही लग रहा है कि हम समर्थवान हैं। इस देश में सिर्फ एक चीज़ का दबदबा है, संविधान का दबदबा। और भारत का हर नागरिक जब तक ये मन नहीं बनाएगा कि इस देश में संविधान का दबदबा होना चाहिए, फजील अहमद का दबदबा नहीं, किसी नेता का दबदबा नहीं, कानून का दबदबा। और जब संविधान का दबदबा होता है तब जाकर के जो व्यक्ति अंतिम पावदान पर खड़ा, जिसके घर में रात में चूल्हा नहीं जला, उसको भी न्याय मिलना चाहिए ना। उसको कौन देगा न्याय? दबदबा देगा? ये दबदबा किसका दबदबा, काहे का दबदबा? अरे आप सत्ता में हैं, धृतराष्ट्र की तरह हमारे प्रधानमंत्री आंख बंद किए हैं आपके लिए, नहीं सोच रहे। वो बेटियों से ज़्यादा इस तरह के नेताओं पर ध्यान रहते हैं, क्योंकि उनको पार्लियामेंट में अपनी सरकार बचानी। वो जो गोल्ड मेडल कौन लाया? ब्रजभूषण जी लाए। वो लड़कियाँ मेहनत करके, दुनिया भर में मेहनत करके उन्होंने ले आए, तो उनको ले आए तो उनकी बारे में तो सोचना चाहिए ना कि उनकी समस्या क्या है। लगातार सरकार जिस तरह से चिन्मयानंद सेंगर को, उन लोग को भी तो बचाने की कुछ लास्ट तो कोशिश किया ना, लेकिन उन लोग को न्याय इसलिए मिल गया कि वो मीडिया उनके साथ थी, इन बेटियों के साथ मीडिया नहीं। मीडिया इन्हें लगातार दबा रही है, इसलिए इनका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो समस्या है। आखिर खिलाड़ियों से कोई राजनीति नहीं, खिलाड़ी हमारे देश के स्टार हैं, उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी डिमांड है कि हमारा फेडरेशन को हटाया जाए, तो निश्चित रूप से सरकार को अपने खिलाड़ियों की मंशा के अनुरूप कार्य करना चाहिए। राजनीति का विषय नहीं है और खिलाड़ियों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक तरीके से जो उन्होंने बोला है कि दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो एक तरीके से दबदबा तो है ही, क्योंकि ब्रजभूषण को अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया गया। एक साल से पहलवान बेटियां सड़कों पर बैठी हुई थी, अभी तक उनको गिरफ्तारी ही नहीं मिली है। ये तो गाँव की लठमार भाषा होती है ना, जो लाठीबाज होते हैं गाँव में, दुष्ट किस्म के लोग जो होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, कहे का दबदबा? लठमार आदि आपके पास लाठी की ताकत है, आप ही के लिए ना संविधान, इस ऐसे ही लोगों के लिए संविधान बनाया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। इन्हीं लाठीबाजों का इलाज संविधान के पास है, लेकिन संविधान चलाने वाले उनके साथ खड़े हैं, इसलिए ऐसी वो बात बोल रहे हैं। इतना अहंकार, इतना गरूर, कौन लड़ रहा है किसी पावरफुल इंसान के साथ? कोई लड़ रहा है? ये गलत तरीका है। ऐसे ही लठबाज नेताओं और लठबाज गाँव के गुंडों के लिए संविधान बाबा साहब ने बनाया, जहाँ समतामूलक समाज हो, जहाँ सबका सम्मान हो, गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी जिसके घर में चूल्हा न जलता हो उस भी थाने में इंसाफ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ का गला घोटा जा रहा है, उसका एक प्रमाण है ब्रजभूषण सिंह। थाने में गरीब की सुनवाई नहीं होती है, आपको भी पता है कि तहसील में गरीब की सुनवाई नहीं होती, संविधान होने के बावजूद भी नहीं होती है। एक बेटी कुलदीप सेंगर के मामले में मर गई, इंसाफ मांगते मांगते मर गई। मरने के बाद, इतना जाने के बाद, तब जाके अदालत के माध्यम से कुलदीप सेंगर को सजा हुई। तो ये लगातार BJP, चिन्मयानंद स्वामी, कुलदीप सेंगर और भी बहुत से लोग जिनका नाम लोग नहीं जानते हैं,
बीजेपी अपने लोगों को बचाने का काम करती है, चाहे वो जितना भी कुकर्म किए, ये गलत तरीका है। संविधान, बाबा साहब का संविधान इसीलिए इस देश में लागू किया गया था जहाँ समतामूलक समाज हो, सबको सम्मान हो, सबका न्याय मिले। ये इस तरह की भाषा, और देख लीजिए सरकार को भी पीछे हटना पड़ा, आपको मालूम है वाई फेडरेशन भंग कर दिया गया, ये किसकी ताकत है? संजय सिंह थे वो उनके सहयोगी थे, उन तक को सस्पेंड कर दिया गया। इतना हास्यास्पद मुझे लग रहा था कि संजय सिंह चुनाव जीते हैं और माला कौन पहन रहा है, आप दबदबा कायम, कैसे दबदबा आपका कायम? आप तो संजय सिंह चुनाव जीत गए, आप तो संजय सिंह को अपना गुलाम समझ रहे हो, कैसे दबदबा कायम रहा आपका? संजय सिंह चुनाव जीते ना, ब्रजभूषण थोड़ी जीते, माला पहन के ये घूम रहे, ये मूर्खतापूर्ण कार्य है, बेवकूफ़ी की बात है। और बाबा साहेब के संविधान को चैलेंज कर, ये पूरी सरकार को चैलेंज है कि सरकार को इस तरह की बात करे कि चुनाव कोई और जीता, माला कोई और पहन रहा है, और साक्षी मलिक और जितने खिलाड़ी हैं उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनको राजनीति कहा जा रहा है। इस देश में कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको या तो आतंकवादी कहा जाता है, नहीं तो नक्सलवादी कहा जाता है, नहीं तो कुछ भी कहा जाता है। जब किसान आंदोलन बैठे तो उनको खालिस्तानी कहा गया, मुसलमान सीए के खिलाफ बैठे तो उनको आतंकवादी कहा गया, और पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी ने क्या कहा मुसलमानों को। तो ये सब चीज़ें जो है सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने इन जो है गपोड़ी गप, जिसे नहीं गांव में लोग गप मारते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं, मीम हुआ मुठ्ठू बनना, दबदबा जनता थोड़े कह रही है, उनके अपने लोग कह रहे, वो खुद अपने मुँह से कह रहे, दुनिया तो छोड़ दीजिए, अपने मुंह से कह रहे कि दबदबा है, काहे का दबदबा? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं इस देश में एक ही चीज़ का दबदबा चाहता हूँ, भारत के संविधान का दबदबा, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का दबदबा। देश में वो संविधान जिसके घर में रोटी नहीं है और उसे विश्वास होना चाहिए कि अगर उसके साथ अन्याय होता है ये संविधान उसे सजा देगा। संसद में बोलने पर मतलब 146 सांसद उनको निलंबित कर दिया जाता है, विपक्ष मतलब लगातार ये उठा रहे कि अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो ये तो तानाशाही सरकार होगी, लोकतंत्र किसकी गलती है? इसमें गलती किसकी है? जब आप बिल्डर को टिकट देंगे, बिजनेसमैन को टिकट देंगे, बार चलाने वाले को टिकट देंगे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लीडर कौन है? अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठा कोई नेता बैठा है? वो सारे बिल्डर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, पैसा दे के चुनाव जीते, पैसा दे के टिकट लिए, कोई डिबेट करने वाले लीडर है? उनको जितने सांसद बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि विपक्ष की राजनीति कैसे होती है, सड़क उतरा कैसे जाता है, नीतियाँ क्या हैं, नीतियों का विरोध कैसे किया जाता है, नीतियाँ बनती कैसे हैं, उनको तो पार्लियामेंट्री सीक्वेंस भी नहीं पता, तो उनको तो सस्पेंड करना बहुत आसान है। उनको रोड़ी बजरी गिट्टी फ्लैट अपार्टमेंट बनाने में दिमाग लगता है उनका, वो लोग बिजनेसमैन लोग हैं, इसलिए उनको सरकार को कैसे घेरा जाता है, सरकार की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, देश का संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान को चलाना कैसे, विपक्ष की राजनीति कैसे करनी है, कैसे सरकार के मुद्दों को उठाना है, उनको ये तो कुछ हो नहीं रहा है। जब आप विपक्ष को मैं जिम्मेदार मानता हूँ, आप तो बिजनेसमैन बिल्डर रोड़ी गिट्टी वाले बार चलाने वाले ठेकेदारों को शराब माफियाओं को तो आपने टिकट दे के एमपी बना रखा, तो एमपी तो आप जो एमपी की भा, जो एमपी की भा, आप पत्रकारिता कर रही, आपको पत्रकारिता के नॉलेज ही नहीं है, तो आप कह दिन ये माइक लेके घूम सकती हो आप? तो वो हम उसमें सरकार तो मस्त है, ऐसे लोग सांसद में पहुंच चुके हैं कि सरकार तो मस्त है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उन्हें ढंग नहीं है। ड्राइवर, आप करोड़ों की गाड़ी कौन चलाता है? एक 20,000 का ड्राइवर, गाड़ी करोड़ों की है, मालिक अरबपति है, लेकिन उसकी ज़िंदगी किसके हाथ में है? 20,000 रुपये के ड्राइवर के हाथ में। और अगर आपने 20,000 के ड्राइवर को 5,000 का ड्राइवर रख दिया, गाड़ी ठोक दिया, तो गाड़ी भी बर्बाद, आदमी भी मारा गया, पूरे साम्राज्य का विनाश कर दिया उसने। समझते आप बात को? जिस तरीके से संसद में जब जगदीप धनखड़ सभापति की मिमिक्री की गई, उसके बाद उन्होंने बोला ये जाट समुदाय का अपमान है, लेकिन जब वही पहलवान बेटियां सड़कों पे उनसे मतलब बर्बरता का व्यवहार करा जाता, तब जाट समुदाय का अपमान नहीं हुआ था? उन्होंने दो बात कही, उन्होंने पार्लियामेंट में दो बात कही, एक तो ये कहा कि हम किसान हैं पहले दिन, और दूसरे दिन कहा कि आप मेरा मजाक उड़ा लो, देश के उपराष्ट्रपति का मजाक मत उड़ाओ। तो उन्होंने जाट तो कहा नहीं, वो तो अभी तक यही नहीं बता पाए कि उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया है कि जाट का मजाक उड़ाया गया, या तो वो जाट कहते उस दिन। उन्होंने तो ये कहा कि भाई मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन उपराष्ट्रपति का मजाक मत बनाओ। और जब सार्वजनिक जीवन में इतनी छोटी सी बात का धनखड़ साहब को बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी को अच्छा लगता है। सुषमा स्वराज ने शरद पवार को पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा था कि नाम तो ऐसा है जैसे नाम हो, ललिता पवार हैं ये, कहा था ना।
तो सार्वजनिक जीवन में इतनी क्षमता एक नेता को होनी चाहिए कि कोई मेरा मजाक भी उड़ा सकता है। कोई मजाक क्या है, अब किसी का हंसना मुझे अच्छा लगता है तो हम उस स्टाइल में हंस देते हैं, किसी का चलना अच्छा लगता है। कई बार शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, कई बार उनके कई हमारे हास्य कलाकार बॉलीवुड के उनके तरह चल करके दिखाते हैं, तो हमारे देश की परंपरा। और 70 साल से हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधान सबका जो है, आप कवि सम्मेलनों में जाइए, प्रधानमंत्री को बैठाल के मुख्यमंत्री को बैठाल के किस तरह की उनकी आलोचना उनकी नकल होती है, इसमें कोई नई बात, कोई इतना बुरा मानने की बात नहीं है। धनखड़ साहब इस देश के उपराष्ट्रपति हैं और भारत के नागरिक हैं, हम सब के अपने बड़े हैं, तो हम लोग उनको कभी कभी हंसी मजाक में भी प्यार से भी ले सकते हैं, इतना बुरा मानने की बात नहीं थी। अरे क्या ऐसे ऐसे कर देना, कोई ऐसे है, हम भी जैसे चलते हैं, हमारा तो बेटा कहता है पापा ऐसे चलते हैं तो क्या करें उसको हम। ये जीवन में, अब जीवन जो है ना, भारत की जो संस्कृति है, अब इतना ज़्यादा आपको टेंस और इतना दूरी बना के नहीं रखना है, इतना स्पेस देना है कि कोई आपके बारे में कुछ कह सके, यही है इस देश का लोकतंत्र कि हमें ये स्पेस देना है। हम अगर प्रधानमंत्री पर, इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने तलब किया था, याद है आपको, तो क्या इंदिरा गांधी उस जज का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, जाके मुलजिम की तरह उस कटघरे में खड़ी हुई। ये स्पेस दिया इंदिरा गांधी ने कि हमारी जुडिशरी सबसे ऊपर है, जुडिशरी से ऊपर कोई नहीं है, ये कहने के लिए इंदिरा गांधी ने उस जज का ट्रांसफ़र नहीं किया और उसके सामने खड़ी हुई जा करके। तो ये स्पेस मिलना चाहिए लोकतंत्र, भारत का अंबेडकर का देश है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया इस देश के अंदर कि चाहे आप कितने भी बड़े पद पर हों, आपको जनता के बीच में अपनी बात कहना या जनता को आपके बारे में कहने का स्पेस मिलना चाहिए। यदि स्पेस ख़त्म हो रहा है तो ही हम कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्योंकि ये स्पेस ख़त्म हो रहा है। अरे धनखड़ साहब को किसी ने अगर उन्हीं उनके उम्र के बराबर हैं जो सांसद ने कहा, बोले कि हमको अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे करते हैं, अरे भाई इसमें क्या बुरा मान गए, ऐसे ऐसे करते हैं। हर इंसान का चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल होता है। तमाम कवि सम्मेलनों में आप जाके देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बैठाल करके सामने और उनकी उनकी जो है नकल उतारते हैं लोग, तो इसमें इतना बुरा मानने का विषय नहीं है। जाट और मुसलमान और ये सब बेकार की बात। आखिरी सवाल ये हम कह रहे हैं, उनका जो है ये साबित किया कि वो जो है बिल्कुल, मतलब पॉलिटिक्स में उन्होंने इतना संकुचित मानसिकता रखना ठीक नहीं है। ये संकुचित मानसिकता है कि अगर आपको किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया तो आप इतना बुरा मान गए। और आप जब लोगों को कहते हैं, हमको पार्लियामेंट में मुसलमानों को क्या कहा गया, हम तो नहीं बुरा माने, हम लोग तो आज कुछ हुआ उनका, तो ये सब चीज़ें, इतना सार्वजनिक जीवन में सबको संयम होना चाहिए, सबके पास इतना धैर्य होना चाहिए कि अगर वो कोई स्पेस देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जब जो अभी जो पहलवान जो आयोग है उसको निलंबित कर दिया गया और साथ में जो उसके अध्यक्ष हैं संजय सिंह, उनको तक सस्पेंड कर दिया गया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे, मतलब इतनी देर क्यों लगाती है सरकार, या ये चुनाव से आने से पहले कोई रणनीति तैयार कर रही है कि वोट अपने हाथों में ले सके, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने फिर कहा आपसे कि खेल खिलाड़ियों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसको जाट की नज़र से मत देखिए, वो भारत के रत्न हैं, वो भारत के बच्चे हैं, वो बेटी भारत की है, उसको किसी जात में मत बांटिए। अब राजनीति करना है निश्चित रूप से, जिस तरह से इन लोगों ने प्रोपोगंडा किया उत्तर प्रदेश में, थोड़ा बिहार में भी थोड़ा होता है, दिखावा लोग करते हैं, लेकिन इस तरह से जब दिखावा किया पूरे देश को बुरा लगा, जात धर्म मजहब नहीं, हम तो मुसलमान, हमको भी बुरा लगा। वो उसको जाट मत कहिए आप, वो जाट नहीं है, वो भारत की बेटी है, इस देश का रत्न है, वो इस देश की कन्या है, वो इस देश का नाम रोशन की है। वो भारत जब तिरंगा लेके उसने दुनिया में, जब पूरी दुनिया बैठी थी तो तिरंगा को मान बढ़ाया था, उसको आप जाट मत कहिए, उसको आप भारत की बेटी कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इनको सुना, तो किस तरीके सभी चीज़ों के जो जवाब थे इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से दिए, आप इनकी बात से सहमत है कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।